नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक शव बरामद किया जाता है। हम आपको बता दें, जो शव है एक युवक का है जिनकी उम्र जो है 26 वर्ष थी। आइए पर उन्हीं के परिजनों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह थी जो उनका शव वहाँ पे बरामद हुआ है, क्यों उन्हें मारा गया। इस वक्त हमारे साथ मृतक के पिता मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? नरेंद्र यादव। सर, आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था? घर से गया था दोस्त के लिए। कितने बजे? 8:15 बजे शाम के। जी, क्या बोल के गए थे वो? दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मैं 11 बजे तक नहीं आया। जब उसको ढूंढने निकले दोस्त के, जहाँ पर बोल के गया था वहाँ पे मिलने गए, तो वहाँ पे मिला नहीं। दोस्त से फ़ोन किया बच्चों ने, तो वो कहने लगे मेरे पास तो आया ही नहीं वो आज। बस ये बात हुई। और कोई तो आपको फिलहाल उनके बारे में पता कैसे चला कि उनका ऐसे ऐसे शव मिला है? सुबह जैसे गांव के बच्चे घूमने गए, बच्चों ने नहर पे उसकी लाश देखी और बाइक देखी। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 26 साल। उनका नाम? रोहित यादव। ने पुलिस में कंप्लेंट करवाई इस पूरे मामले की? सब पुलिस में इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, कौन से थाने में? ये कार्टूज थाने में जी। रोनी ACP DSP सब थाने वाले अच्छी तरह से इंक्वायरी कर रहे हैं, खूब पूछताछ कर रहे हैं। एक आध दिन में पता लग जाएगा। अच्छा, उन्होंने आपको मतलब आश्वासन दिया और आपकी अच्छे से सहायता भी कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, अच्छी से सहायता कर रहे हैं, खूब अच्छी से। फिलहाल आपको किसी पे शक हो कि किसी ने ऐसा करा? ऐसा हमें कोई शक नहीं है किसी पे भी। गांव में कोई ऐसा वो नहीं था, ना किसी से लड़ाई थी, ना दंगा था, ना कुछ था। यानी कि अभी इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो अभी तक सुलझी नहीं है, पता नहीं किसने मारा है? ना अभी पता भी नहीं क्या है, अभी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस अच्छी तरह से इंक्वायरी। शव मिल गया उनका? हाँ जी, शव मिल गया, दाग लगा दिया हमने। देखिए, फिलहाल हम युवक के परिजन से जुड़े, उनके पिताजी से जुड़े, और उनका कहना है कि वो रात के समय उनसे बोल के गए थे कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और उन्होंने उन्हें ढूंढने की भी कोशिश करी कुछ टाइम बाद, लेकिन उनको जो है उनका पता नहीं मिल सका। हम आपको बता दें, वो घर से कुल 8 बजे के करीब घर से गए थे दोस्त से मिलने जाने का बोलकर, लेकिन अगली सुबह हम आपको बताते कि गाँव है बादली गाँव है, यहाँ इस गाँव के बच्चों ने उनका शव जो है नहर में देखा, जिसके बाद उन्होंने सीधा पुलिस में फ़ोन करा। पुलिस में जो KN कारजूमार पुलिस स्टेशन है, वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँची और उनके घर पर भी जो है उन्होंने वो इन्फॉर्म करा। घर वालों को कह रहे हैं कि फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अभी तक ये नहीं पता लगाया गया कि किसने उन्हें मारा है। इनके पिताजी का कहना है कि उनका व्यवहार पूरे गांव में सबसे बहुत ही अच्छा था और उन्हें कोई भी आपसी रंजिश का मामला नहीं नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन अभी जो उनकी पूरी मौत की गुत्थी है वो एक रहस्य बन के रह गई है, क्योंकि अभी पुलिस ने भी जो है पूरी जाँच में लगी है पुलिस, लेकिन अभी भी आरोपी का पता जो है नहीं चल पा रहा। आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।